Hey guys, welcome back to my channel. You're watching Aiman Vlogs. So guys, आज मैं एक गेम खेलने वाली हूँ जिसका नाम है Would You Rather Challenge. मतलब आपको दो मुश्किल choices में सिर्फ एक ही choice यूज़ करनी होगी, चूज करनी होगी. So let's begin the video. अच्छा तो फर्स्ट मेरे पास है Would You Rather Have the Ability to Know Someone Is Lying. कि मेरे अंदर कोई ऐसी पावर हो जिससे मुझे पता चल जाए कि कोई झूठ बोल रहा है, इस तरह कोई झूठ बोल तो मुझे फ़ौरन पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है. या फिर नेवर हैव एनीवन लाइड टू यू अगेन, या फिर मुझसे कभी कोई ज़िंदगी में झूठ ना बोले. ये मैं आपको दिखा देती हूँ. सो आई थिंक मैं ये जानना पसंद करूँगी कोई जो है मुझसे झूठ ना बोले. ये वाली मैं चॉइस चूज़. 86% लोग कहते हैं कि ठीक है हम ये चूज़ करेंगे कि हमसे कोई झूठ ना बोले, और 56% लोग कहते हैं कि हम ये एबिलिटी लेना पसंद करेंगे कि हम किसी के झूठ जान सकें कि कौन झूठ बोल रहा है. ओके, वुड यू रादर नो व्हेन द वर्ल्ड्स एंड, मतलब आपको ये पता हो कि दुनिया कब ख़त्म होगी. वुड यू रादर नो हाउ द वर्ल्ड एंड, मतलब आपको या तो ये जानना है कि दुनिया कब ख़त्म होगी या फिर आपको ये जानना है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी. तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ. आई थिंक ये तो काफ़ी मुश्किल चॉइस है. सो आई थिंक मैं व्हेन द वर्ल्ड एंड चूज़ करना पसंद करूँगी ताकि पता तो चले ना कितने साल जीना है. सो मैं ये वाला चूज़ करती हूँ. 75% लोग यही चाहते हैं जानना कि दुनिया कब ख़त्म होगी, और 30% लोग चाहते हैं कि कब कैसे ख़त्म होगी. ओके, बी एबल टू स्टॉप टाइम, या तो मैं वक्त रोक दूँ, या फिर मैं फ्लाई, बी एबल टू फ्लाई, या फिर मैं उड़ना शुरू कर दूँ. तो या तो मैं वक्त रोक सकती हूँ, या फिर उड़ना चाहती हूँ, या फिर मेरे अंदर पर लग जाओ मैं उड़ना शुरू कर दूँ. आई थिंक आई बी एबल टू फ्लाई. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये रेड वाला मैं चूज़ कर रही हूँ. मैं उड़ना ज़्यादा पसंद करूँगी. ओके, बी आ ज़ॉम्बी और बी आ वैम्पायर. तो या तो मैं ज़ॉम्बी होना पसंद करूँगी या फिर वैम्पायर. तो ज़ॉम्बी तो बहुत बुरे होते हैं, वैम्पायर भी कोई अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं. तो आई थिंक क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की मैंने मूवी देखी, वो बहुत वियर्ड होते हैं, तो आई थिंक मैं वैम्पायर होना पसंद करूँगी. 60% लोग कहते हैं वैम्पायर होना पसंद करेंगे, एंड ओनली वन पीपल कहता है, और एक इंसान कहता है कि मैं ज़ॉम्बी बनना पसंद करूँगी. ओके, सेव द, वुड यू रादर सेव द वर्ल्ड बट डाई एज द हीरो इन द प्रोसेस. मतलब जिस तरह मूवीज में होता है कि आप दुनिया बचाओ बट खुद मर जाओ, और दूसरा ऑप्शन है सेव द वर्ल्ड बट नो बडी नोज, कि आप दुनिया को बचा रहे हो, किसी को पता नहीं चाहिए कि दुनिया को आपने बचाया है. तो आई थिंक मैं आपको दिखा देती हूँ. मैं रेड वाला चूज़ करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया बचाऊँ, किसी को पता नहीं चले. ओके, 60% लोग इस पर एग्री करते हैं कि वो दुनिया बचाएंगे, किसी को पता चले, एंड 20% लोग एग्री करते हैं कि वो मर सकते हैं. मतलब हाउ यार. ओके, नेक्स्ट है बी इन अ जेल फॉर अ ईयर, लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन इन द माउंटेन फॉर अ ईयर. मतलब मैं या तो जेल में रहूँ एक साल के लिए, या फिर पूरी ज़िंदगी माउंटेन्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत VIP जेल में वहाँ रहूँ. सो आई थिंक लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन इन द माउंटेन्स फॉर होल लाइफ. मैं ये रेड वाला चूज़ करना पसंद करूँगी. ओके, ओनली 30% लोग इसको कहते हैं, और लोग जो है एक साल के लिए बस सादे जेल में रह लेंगे. मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है. ओके, वुड यू रादर वेक अप विद अ डिफरेंट फेस बट सेम जेंडर, वेक अप विद अ डिफरेंट जेंडर बट सेम फेस. मतलब या तो मैं सुबह उठूँ तो मेरा फेस चेंज हो और लेकिन मैं लड़की ही हूँ, या फिर अगर मैं उठूँ मेरा फेस सेम हो और मेरा जेंडर चेंज हो जाए. ओके, सो मैं चूज़ करूँगी. सो गाइस, आई थिंक मैं जो है वेकअप विद अ डिफरेंट फेस बस सेम जेंडर, क्यों मैं मतलब मैं लड़की ही रहूँ, फेस चेंज होगा तो वो भी अच्छा ही होगा ना. सो आई विल चूज़ दिस ब्लू वन. 70% लोग इस बात से एग्री करते हैं कि उनका फेस चेंज हो तो वो उठ जाएंगे, बट उनका जेंडर सेम नहीं होना चाहिए. एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 0% लोग चाहते हैं कि उनका फेस सेम हो और जेंडर डिफरेंट हो. कोई भी अपना जेंडर चेंज करना नहीं चाहता. ओके,
आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो आप किसी को बैड एडवाइस दो, मतलब आप किसी को बुरा मशवरा दो, या फिर खुद किसी के खुद को या आपको कोई बुरा मशवरा दे और आप उसको रिसीव कर लो। मतलब किसी ने आपको मशवरा दिया जो कि आपके लिए गलत है, आप उस पर अमल कर लो, या फिर आप किसी को बुरा करो तो वो आपकी बात पर अमल कर लो। तो मैं तो बैड एडवाइस करना पसंद नहीं करूँगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो आई थिंक मैं बैड एडवाइस भी नहीं करना पसंद करूँगी। आई थिंक गिव बैड एडवाइस, सॉरी बट मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं किसी को बैड एडवाइस दूँ, क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो बहुत वो होता है। सॉरी गाइज, मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती वर्ल्ड में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लूपर, नेक्स्ट वुड यू रादर। ओके, वुड यू रादर गेट अ टैटू गेट अ पियर्सिंग, कि या तो मैं टैटू बनवा लूँ या फिर अपने कान जो है वो दोबारा सिलवा लूँ। तो आई थिंक आई गेट अ पियर्सिंग ऑब्वियसली, क्योंकि टैटू तो हराम है, अस्तगफिरुल्लाह। सो आई विल गेट अ पियर्सिंग। ओके, 90% लोग इससे सहमत करते हैं कि मतलब इससे सहमत हैं कि वो जो है क्या ऑप्शन में बताया था, हाँ जो है पियर्सिंग नहीं करवा लेंगे, बट टैटू 20% लोग कहते हैं कि वो टैटू बनवा लेंगे। यार व्हाट, वो लोग ज़रूर हिंदू होंगे। ओके, वुड यू रादर सेव अ लाइफ, या तो मैं किसी की जान बचाऊँ या फिर कोई और मेरी जान बचाए। आई थिंक मैं आप किसी की जान बचाना चाहूँगी, बिकॉज मुझे खुशी होगी यार कि मैंने किसी की जान भी बचाई थी। ये देखो ये लिखा हुआ है, सेव अ लाइफ या फिर समवन सेव योर लाइफ। आई थिंक आई चूज सेव अ लाइफ। लाइक सीरियसली 100% लोग चाहते हैं कि कोई उनको आके बचाए, एंड ओनली 2% लोग चाहते हैं कि वो किसी की जान बचाए। वेरी बैड यार, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की भी जान बचानी चाहिए, हमें सवाब मिलेगा। छोड़ो, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं तो इतनी अच्छी मुझे गेम लग रही कि मैं दिल करता मैं खेलती जाऊँ खेलती जाऊँ खेलती जाऊँ। ओके, नेक्स्ट है बी ब्यूटीफुल बट बी डम, या फिर बी अगली बट बी इंटेलिजेंट, कि या तो मैं खूबसूरत हूँ लेकिन जो है मैं मेरे में अकल नहीं हूँ, या तो फिर मैं बदसूरत हूँ लेकिन मेरे में अकल हो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो आई थिंक आई वुड बी एन अगली बट आई हैव, क्योंकि अकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरती कौन दिखते हैं, अकल दिखते हैं सब, तो मैं अकल चूज़ करूँगी। ओके, बी एबल टू रीड माइंड्स बी एबल टू सी इन टू योर फ्यूचर। अच्छा, तो मैं मेरे अंदर या तो ये एबिलिटी मतलब ये पावर हो कि मैं जान सकूं कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकूं कि लोग में क्या चल रहा है, लोग के दिमाग में क्या सोच रहे हैं वो हमारे बारे में, किसी और के बारे में, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी आ जाए। या फिर मेरे अंदर ये एबिलिटी ये पावर आ जाए कि मैं आगे की दुनिया देख सकूं कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे लोगों के माइंड पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह मैंने वर्ल्ड को जानने का भी कहा था, तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बी एबल टू फ्यूचर देखना चाहूँगी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। वुड यू रादर ड्रिंक पेप्सी ड्रिंक को, ऑब्वियसली कोक, मैं दिखा देती हूँ आपको, आई थिंक मैंने पिछले 2 राउंड में नहीं दिखाया, ड्रिंक कोक। गिव अप योर कंप्यूटर गिव अप योर पेट, तो आई थिंक मेरे पास कोई कंप्यूटर है बट मेरे पास कोई पेट नहीं है, तो अगर मेरे पास पेट होता तो मैं इसको तो कभी गिव अप नहीं करती, तो मैं गिव अप योर कंप्यूटर कर दूँगी। ओके, Have a job you love and make no money. Have a job that you hate and make lots of money. या तो मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसको मैं पसंद करती हूँ बस उसमें कोई पैसे नहीं लगते, या फिर मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसको जो काम करना मैं पसंद नहीं करती बस उसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तो आई थिंक मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करूँगी, चाहे उसमें पैसे हों ना हो, सो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन लेना पसंद करूँगी। हैव जॉब यू लव, मतलब मैं जिस जॉब को पसंद करती हूँ बट उसमें कोई मनी ना हो, आई थिंक मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। सिर्फ 60% लोग मुझसे सहमत हैं और 90% लोग कहते हैं कि वो अपनी नापसंद जॉब कर लेंगे बट उनको पैसा चाहिए। वेरी बैड यार। ओके, नेक्स्ट है ओ माय गॉड, स्पेंड अ ईयर अलोन इन अ डीप सी सबमरीन, मतलब मैं अपना पूरा 1 साल अकेले गुजारती हूँ एक डीप सी के अंदर, एक गहरे समुंदर के सबमरीन, मतलब वो बहरी जहाज़ होता है उसके अंदर अकेले, या फिर स्पेंड अ ईयर अलोन इन अ स्पेस स्टेशन,
या फिर मैं स्पेस स्टेशन मतलब जो है ऊपर चांद पे जाके एलियंस के साथ पूरे एक साल गुजारूँ अकेले। तो आई थिंक ऑब्वियसली यार मैं सबमराइन में रहूँगी, उसमें रूम होता है, बाथरूम होता है, हर चीज़ होती है, खाने पीने की वो पानी में होता है, तो मैं वहाँ गुजारूंगी ना। बट आई थिंक फैमिली साथ होगी तो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, पर अगर मुझे अकेले रहना होगा तो फिर मैं सबमराइन में रहूँगी। ओके, ओनली स्पीक्स इन क्वेश्चन या फिर ओनली स्पीक्स इन मूवी क्वेट्स, या तो मैं मूवी के क्वेट्स जो है मतलब डायलॉग्स की तरह या तो बोलूँ पूरी ज़िंदगी, या फिर सब किसी हर किसी से कोई नॉर्मल बात भी हो तो क्वेश्चंस में बोलूँ, जिस तरह वैसे आप सही कह रहे हो ना। हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ हाँ नहीं ना, हाँ बताओ ना, आप सही कह रहे हो, ऐसे क्या बोल रही हूँ यार मैं, मतलब ऐसे अगर आप पूरी ज़िंदगी बात करो क्वेश्चंस में या फिर कोई डायलॉग की बात करो जिंदगी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। सो ऐसा तो कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, सो आई थिंक मैं ओनली स्पीक क्वेश्चन में बोलना पसंद करूँगी। ओके नेक्स्ट हमारा है, ये लास्ट है बाय द वे, बी सुपर फास्ट बी सुपर स्ट्रॉन्ग, या तो मैं सबसे ज़्यादा फास्ट होना पसंद करूँगी सबसे तेज़, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग। तो गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या चूज़ करते। सो मैं स्ट्रॉन्ग होना पसंद करूँगी, बी स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग, लेकिन फास्ट भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग होना पसंद करूँगी। ओके 80% लोग मेरी बात से सहमत है कि वो स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड 10% लोग ये कहते हैं कि वो सुपर फास्ट होना पसंद करेंगे। सो गाइस दैट वाज टुडेज वीडियो, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना। और मैंने काफ़ी डिफरेंट गेम ट्राई किया, अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि इसका पार्ट 2 आए, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए। सो मैं मिलूँगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय।